विदेश से लौटी महिला का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। ग्रीस से आई युवती के कोरोना संदिग्ध होने की चर्चा से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में कोरोना के लक्षण नहीं मिले, युवती को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया। नगर से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम बिजटी में ग्रीस से आई युवती को कोरोना होने की आशंका से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम युवती के घर पहुंची, वो सैंपल लिए। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में युवती में जो लक्षण है वे कोरोना के नहीं लग रहे, इसके बावजूद उसे व उसके परिवार को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। विश्व के कई देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के कारण इस क्षेत्र में भी भय व असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस बीच ग्रामीण बिस्टी में इटली से एक युवती आई, अचानक क्षेत्र में चर्चा होने लगी कि युवती कोरोना से संक्रमित हो सकती है। कोरोना वायरस के भय से आशंकित आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तभी किसी ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की सूचना दी। इस पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनीश खन्ना व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्य मेडिकल टीम व पुलिस के साथ युवती के घर पहुंच गए। वहां युवती का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बताया गया कि युवती 3-4 माह पूर्व घूमने के लिए इटली के ग्रीस गई थी। वह 13 मार्च को ग्रीस से रवाना हुई। वह 14 मार्च की सुबह 4:30 बजे बहरीन होते हुए दिल्ली पहुंची। दिल्ली से वाल्वो बस द्वारा शाम 6 बजे सितारगंज पहुंची। युवती ने बताया कि दिल्ली में उसका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खन्ना ने बताया कि युवती में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं, इसके बावजूद सैंपल ले लिया गया है। साथ ही युवती व उसके परिजनों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। इस दौरान वे घर से बाहर नहीं जाएंगे, वह किसी से भी नहीं मिलेंगे जुलेंगे। स्वास्थ्य टीम रोजाना सुबह व शाम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। युवती के घर में उसके माता व पिता है। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। 3 महीने की विदेश यात्रा के बाद बच्ची है मनप्रीत कौर, वो आई है विदेश यात्रा करके, और ऐसा कुछ इसमें वो नई बात नहीं है। लोग आ ही रहे हैं, जो लोग विदेश गए वो वापस अपने देश आएंगे। तो हम लोगों ने उनका सैंपल भी ले लिया है। हालांकि उनको कोई साइंस सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। और इसके अतिरिक्त जो है 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए उनको एडवाइस किया गया है, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उनके पेरेंट्स को भी समझा दिया है कि सभी लोग क्वारंटाइन में रहेंगे, और हम लोगों के जो आकस्मिक नंबर है वो उनको दे दिए गए। अगर किसी प्रकार की उन्हें कोई तकलीफ या कोई सूचना या फिर कोई जानकारी चाहिए होगी, इस दौरान वो लोग ले लेंगे। और हम लोग भी प्रतिदिन जो है सुबह शाम जो है इनकी मॉनिटरिंग के लिए इनके यहाँ विजिट पे रहेंगे। उनके लिए सिर्फ इतनी जानकारी है कि चूंकि ये क्वारंटाइन में है तो उनसे मिलना जुलना ना करें इस बीच, और इसमें ऐसा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।